क्लास जब पूरी हो जाती हैं तो हर एक बच्चे की मॉनिटरिंग अपने आंखों के सामने करते हैं। आज ऐसे भी कई साधारण परिवार हैं जिन्होंने डॉक्टर बनने का और इंजीनियर बनने का सपना सोचा भी नहीं था, और उस सपने को साकार करने का काम सीएलसी संस्था ने किया है। कि मेरे 480 से 621 नीट में आ गए, 480 से 620 पे गए साहब। दिस इज क्वालिटी ऑफ रिजल्ट टेस्ट ऑफ सीएलसी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण। आज मैं फिर सीकर जिले के लक्ष्मगढ़ विधानसभा तहसील के गांव में हूं, यालसर, जहां मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई जेपी शर्मा जी जो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में, आपकी बेटी आस्था शर्मा सिलेक्ट हुई, आप जीएमसी झालावाड़ में हैं, आप इनके 7.5 की बेटी मुस्कान जो हमारे बीच उपस्थित भी है, जो 12वीं के साथ सिलेक्ट हुई जीएमसी चूरू में। वंदे जननी भारत धरणी सस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की जननी कोटि कोटि सुतवारी। इस वीर प्रसूता माँ भारती ने अनेक वीर सपूतों को, संतों को, समाज सुधारकों को और शिक्षाविदों को जन्म दिया है। इसी क्रम में ये सीकर की नगरी धन्य है कि सरवण जी बोस जैसे वीर सपूत को जन्म दिया है, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से पूरे भारत में अपनी अलग जगाई है और हर गांव गली ढाणी से डॉक्टर और इंजीनियर दिए हैं। मेरे संपूर्ण कामधेनु शिक्षा परिवार नागौर की तरफ से मैं बोस का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जो अलग जगा करके जिस झोंपड़ी में बैठी खोपड़ी को डॉक्टर बना करके और उस झोंपड़ी को भी बिल्डिंग में कन्वर्ट किया है। मैं ईश्वर और गोमाता से प्रार्थना करता हूँ कि सरवण जी इसी मुहिम को आगे चलाते रहें और ईश्वर और गोमाता इनको इतना संबल दें कि हर गांव और हर गली और हर घर में डॉक्टर सीएलसी की तरफ से बने। और हम भी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, स्कूली शिक्षा देने के बाद हमारी तरफ से भी पूरा प्रयास रहता है कि बच्चा इधर उधर भटके नहीं, एक अच्छे माहौल में आकर के और कोचिंग की शिक्षा ग्रहण करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके संस्थान का नाम रोशन करे और अपने जीवन को उन्नत बनाए और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निर्वहन करें, ऐसा हमारी तरफ से भी प्रयास रहेगा। मेरे जितने भी चाहे संस्था संचालक मित्र हैं या अन्य जैसे राजकीय सेवा में, लेकिन यदि उनका यदि मान लो मेडिकल और इंजीनियरिंग लाइन में अध्ययन के लिए कोई पूछते हैं तो हमारा एक ही नाम होता है कि यदि हमें बच्चे को शिक्षा दिलवानी है तो हमें उनका प्रवेश सीएलसी में दिलवाना चाहिए। और रही बात यदि मान लो बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता है तो भी यदि उसने एक साल भी सीएलसी में अध्ययन कर लिया तो मेरे हिसाब से वो इंसान तो बन जाता है, फिर वो भले ही चाहे प्राइवेट सेक्टर या किसी भी सेक्टर में जाएगा तो अन्य जगह की तुलना में तो वो बच्चा और अधिक निखर करके आएगा। यानी केवल उसका सिलेक्शन नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसने एक साल भी सीएलसी में अध्ययन किया इसका मतलब उसके संस्कारों की महक पूरे जीवन में बिखरेगी। तो मेरा पुनः एक बार बॉस को बहुत बहुत आभार धन्यवाद और गोमाता एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बॉस को इसी प्रकार ऊर्जा मिलती रहे और इनका इसी प्रकार यश और कीर्ति बढ़ती रहे। धन्यवाद। आप 2 साल जो सीएलसी में आपने जिया, आपका मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आप उनकी प्रेरणा है। मेरी माँ एक अक्सर बात कहती है, बिना जीप बिना हड्डी की है, हिलाना बहुत आसान है, जो कह रहे हो उसको करके दिखाने में बहुत जोर आता है। ये वो बच्चे हैं साहब जिन्होंने 12वीं के साथ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ साहब, 12वीं के साथ सरकारी सीट की MBBS पे एडमिशन बच्चों का खेल नहीं होता है। एक बार जोरदार तालियां मेरी बेटी मुस्कान के लिए जो हॉस्टल में रही, 12th के साथ आपने ठोका है। अब नागालैंड से आए थे, वहाँ का अलग वातावरण है, यहाँ का अलग वातावरण है। और आपके फूफा जी हमारे भाई जेपी सर जो प्रिंसिपल हैं, आपकी पूरी गाइडलाइन रही, आप इसके मेंटर थे, आप इसके केयर टेकर थे, आप इसके पेरेंट थे। बेटा जी आप अपनी बात रखें, वो जो 2 साल में आपने जिया सीएलसी में। सबसे पहले तो मैं बोस को थैंक यू बोलना चाहूँगी, ये स्टेज मुझे मिला इनको थैंक यू बोलने के लिए, जो भी इन्होंने 2 साल में किया था। मैं जब 10th पास करके 11th में आई, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मुझे करना क्या है। जैसे मैं सीएलसी में आई, मुझे रास्ता मिला, मुझे मेरा एम मिला कि मुझे डॉक्टर बनना है, नीट करनी है। बॉस हमेशा हमारे साथ रहते थे, कोई भी केवल पढ़ाई नहीं, अगर हम डिप्रेस हो रहे हो तो भी मोटिवेशन रहता था हमेशा। हर संडे असेंबली, हमेशा असेंबली होती थी, हमेशा इनके साथ बैठना, इनके साथ शेयर करना, वही हमें आगे तक ले गया। जैसे मैं 12th में आई, फिर मेरे पर 12th का प्रेशर बना, बोर्ड का प्रेशर भी बना, लेकिन हमेशा बॉस कहते थे तुम्हें करना है अच्छे से, तुम कर पाओगे। हम करते गए 12th भी पास कर ली, फिर लास्ट मेरा एवरेज 480 रहा। मुझे बिल्कुल होप नहीं रही कि मैं नीट कर पाऊँगी क्या,
लेकिन बॉस के 2 महीने की मोटिवेशन, उनके लाइफ ने इतना सपोर्ट किया कि मेरे 480 से 621 मीट में आ गए, 480 से 620 पे गए साहब। दिस इज क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, टेस्ट ऑफ सीएलसी। और मैं मेरे फूफा जी को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि इनका ही और ज़्यादा सपोर्ट था। मैं यहाँ पे आई थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन ये मेरे मेंटर रहे हमेशा। तो ये स्टेज सबको थैंक यू बोलने के लिए, आज मेरे पापा को, मेरे अंकल को, सबको और बॉस को, तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। कोई मैसेज देना चाहते हैं बच्चों के लिए, जो अभी 2021 के प्लेयर हैं उनके लिए, कि वो भी कोरोना में चल रहे हैं, उनका भी लॉकडाउन चल रहा है, वो भी घर ही बैठे हैं बहुत बच्चे? यही मैसेज है कि लाइफ देखते रहो, बॉस की बातें सुनो, उनका मोटिवेशन देखो और करते जाओ, रुकना नहीं है। कुछ ये नहीं सोचना कि आगे क्या होना है, लेकिन अपना बेस्ट दो, प्रेजेंट में देखो, फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा, हमें करना ही है, कोई भी हालत में रुकना नहीं है बिल्कुल। जैसे हम नहीं रुके, हम भी यहाँ पे पहुँचे और सब पहुँचेंगे। और ये लॉकडाउन है, थोड़ा मतलब अच्छा माहौल नहीं है वैसे देखे तो, लेकिन फिर भी इतनी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करी जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो फिर हम कर सकते हैं। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। अब भाई अपने पास रखें, मैं 2-3 क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा। आप हॉस्टल में रहे, किस हॉस्टल में रहे आप? नाथजी हॉस्टल। आप नाथजी हॉस्टल में रहे, 480 आपका स्कोर था, 480 नंबर के एवरेज का बच्चा 620 लाता है, ये रिजल्ट की क्वालिटी है, सीएलसी की टेस्ट की क्वालिटी है। जो 2021 के बच्चे इस लाइव को देख रहे हैं या जब भी कभी सुने कि 480 के एवरेज का बच्चा भी 620 नंबर लाके 2020 की नीट को ठोकता है, वो भी 12th के साथ, बोर्ड आपके लिए मैटर नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप मेरे पास आए 11th क्लास में, जमाना थोड़ा चेंज हो गया। मैं तो कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि आपको अपने बच्चे को आईटी, मेडिकल या अन्य किसी ढंग के एग्जाम भेजना है, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक घंटी बजा के बुलाने वाले और एक घंटी बजने पे जाने वाले। बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, जिंदगी में 2 लोग होते हैं, एक जिनकी घंटी पे लोग आए, एक वो जो घंटी पे जाएं। आपको क्या बनना है डिसाइड आपको करना है, तो घंटी बुला के बजाने वाले बनना है तो मेरी बात को ध्यान सुने। 6th क्लास से आप जुड़ जाएं मेरे साथ, मेरा खुद का स्कूल है KVM, और CLC हर जगह परफेक्ट है। लाइव में बोलता हूँ चीज़ें, 20, 19, 18, 17 पिछले 4 साल से राजस्थान बोर्ड में 90% से ऊपर हाईएस्ट संख्या देने वाली अपनी KVM है, अपने कृष्णा विद्या मंदिर है। हमारा BR स्कूल जो 84 वाला था, जो राजस्थान बोर्ड का था, हम उसको पिछले 2 साल से CBSE में कन्वर्ट कर चुके हैं। वो बात अलग है, कोरोना में क्लास नहीं लिख पाई वहाँ पर, तो CBSE का हमारा खुद का स्कूल है, हमारा स्कूल RBSE का स्कूल है, CLC यही है, हमारे खुद के अपने हॉस्टल सेटअप है। 6th क्लास से बच्चा जुड़ता हमारे साथ तो निश्चित बात 7 साल मेरे साथ रहेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 निश्चित रूप से ये गुड़िया 2 साल में एक सीट ले लेती है गवर्नमेंट की। तो जो बेटा बेटी 7 साल मेरे साथ रहेगा, मेरे 26 साल की तपस्या के अनुभव पे, मेरे 26 साल की मेहनत के व्याप पे उसको विश्वास दिला सकता हूँ। इंजीनियर सरवण जी चौधरी को धन्यवाद देता हूँ कि इस गाँव में इन्होंने हमारी गांव की पोती को, हमारी पोती को सम्मानित किया। इसको देखा गाँव में तो इनको मालूम हुआ कि CLC क्या है। CLC वो जगह है जिसको मैं धरती का भगवान कहते हुए भी नहीं शर्माता, वो धरती का भगवान है CLC। और उस CLC में उनको पैदा किया श्रवण जी ने, जो डॉक्टर को भगवान के बराबर मानते हैं, वो डॉक्टरों को इन्होंने पैदा किया और वो हो रहे हैं। ऐसी इनकी भावना शुरू से थी कि मैं गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में डॉक्टर और इंजीनियर बना दूं, IAS, IPS, RS, RPS ये मैं बनाऊं। वो इनका जो सपना था वो आज लगातार आगे बढ़ रहा है, और इनकी जो मंजिलें थी वो आगे बढ़ रही हैं। शेखावाटी नहीं, राजस्थान, राजस्थान के अलावा पूरे भारत में इनकी जो तूती बोल रही है CLC की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं बता दूं सीकर के लिए कि सीकर गांव, सीकर शहर इतना भाग्यशाली था कि जिस सीकर में श्रवण जी चौधरी ने अपना व्यवसाय खोला और बच्चों की ज़िंदगी सुधारने का व्यवसाय किया, वो आज इतना आगे निकल गया कि सीकर को शिक्षा नगरी के नाम से संबोधित किया जाता है। आज वही श्रवण जी की मैं बताता हूँ कि हर व्यक्ति पूर्णिया से लेकर के पिपराड़ी और इधर शिवशंकरपुरा से लेकर के हरदयालपुरा और राधाकृष्णा, पूरे शहर में जितनी भी आबादी है
वो सब जब आज धनवान हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, सब देन इनकी है, इनकी वजह से सबके रोज़गार है, सब धंधे पर हैं, सबके किराया आता है, और वो कहाँ जहाँ सब इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं वो जगह इनकी दी हुई है। इसलिए मैं इनका बार बार हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे गांव की ओर से, इस संस्था का मैं अध्यक्ष होने की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते चलें, आगे बढ़ते चले, इन बच्चों को संस्कार ऐसे देते रहें ताकि ये इस गांव, इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में भी आपका नाम हो जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। थैंक यू। मेरी बेटी आस्था जब 12th पास करने के बाद, 12th तक वो स्कूलिंग में थी, 12वीं पास करने के बाद मुझे कोचिंग के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ा, मैं सीखकर रहने लग गया था। मुझे अच्छी तरह से कोचिंगों की स्थिति का आभास था। मैं सीधा CLC गया और मैंने मेरी बच्ची को बोस के अधीन जो है वो पूर्ण रूप से उनको शिक्षा के लिए छोड़ दिया। मैंने देखा कि प्रथम वर्ष में, फर्स्ट ईयर में उसने 576 नंबर के साथ, कुछ नंबरों से वो 580 मेरिट थी, 580 कटऑफ थी, कटऑफ थी, 580 कटऑफ की बदले आपके 576 नंबर के साथ वो 4 नंबर से रह गई। लेकिन वो उस दिन की फीलिंग में, इस शख्सियत की देखता हूँ, वो आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने, मैं वहीं था, इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा बेटा 576 नंबर आए उसके, तो इनका जो चेहरा उस समय मेरे से ज़्यादा उदास था। ये अपने आप में महसूस करता है कि ये एक गार्जियन, एज ए गार्जियन, एज ए अभिभावक जो है हर बच्चे का और बच्ची का ध्यान रखते हैं। और फिर जो वाकया हुआ एम्स का, मैं सब स्पष्ट करना चाहूँगा कि एम्स का एग्ज़ाम कुछ दिन बाद में था, मेरे को उसी दिन उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को तू हॉस्टल में ले आया। यार एम्स के एग्ज़ाम में वो हॉस्टल में रही। एम्स के बाद में जो दूसरी वर्ष थी तो मैंने कहा कि वो डोनेशन वगैरह से करवा देते हैं, बोला नहीं नहीं इसमें बहुत अच्छी काबिलियत है, ये बहुत अच्छी जाएगी, तू देखना। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे को कहा कि तू कल से इसको हॉस्टल में छोड़ दे। अब आपको आश्चर्य होगा, मेरा रेजिडेंस केवल 500 मीटर CLC से दूर है, लेकिन मेरी बच्ची 12 महीने जहाँ तक लॉकडाउन नहीं रहा उस हॉस्टल में रही, और हॉस्टल में रह करके उन्होंने ये सफलता हासिल की। तो मैं कहना चाहूँगा कि एज एक अभिभावक के रूप में CLC जो है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व स्थान रखती है। मेरी बेटी, मेरी जो ये भतीजी है मुस्कान, इसका भी मैं आपको उदाहरण दूँ। अभी इसने बताया है कि नाथ जी हॉस्टल में रहते हुए इसने 480 लॉकडाउन लग चुका था, 480 इसका एवरेज था। मैंने कहा बेटा तू यहाँ आ, और दोनों बहनों को एक साथ रखा, और बोस के मार्गदर्शन में रोज़ ये हर 2-3 दिन छोड़ करके इनसे सलाह करने के लिए जाती थी, टीचर्स के पास सॉल्यूशन के लिए जाती थी। बिल्कुल लॉकडाउन में भी ये बोस के मार्गदर्शन में काम करती रही, और परिणाम यह हुआ कि 480 वाली बच्ची आज 621 पे है, और 602 वाली बच्ची आज 630 पे है। अपने 602 था एवरेज, 602 एवरेज था, वो बच्ची 630 लेकर के आई। तो दोनों ने वो बहुत ही अच्छा कार्य किया, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गाँव के लिए और मेरे लिए तो ये जो CLC है ये एक वरदान स्वरूप है, और जो सामने खड़ा हुआ जो व्यक्तित्व है वो फरिश्ता तो नहीं हो सकता, बाकी इस गांव के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे स्वयं के लिए फरिश्ते से कम भी नहीं है। इसलिए मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मेरे नौजवान युवाओं से और मेरे जो साथी इस लाइन में अगर विद्यार्थी को अपने बच्चों को डालना चाह रहे हैं तो उनसे जरूर यह कहूँगा कि आपके लिए CLC द बेस्ट हो सकती है, उसका मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। थैंक्स। मैं पिछले 20 साल से CLC से और सम्मानीय सरवण जी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने CLC के एक एक बच्चे को, एक एक नीम को, एक एक गुरुजन को बहुत नज़दीकी से देखा है, परखा है। मैं इस लाइव के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी गार्जियंस, मेरे साथी, मेरे युवा साथी जो खड़े हैं, आप एक बार जिनका बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चे को आगे शिक्षा दिलवाने की PMT IIT की मन में सोच रहे हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा इस लाइव के माध्यम से कि आप से कम एक बार CLC का टूर जरूर करें, CLC का कैंपस है आप एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपके मन में एक संतुष्टि होगी। मैं और ताराचंद जी दहेल एक बार रात को 12:30 बजे की बात है, चुनाव का समय था, हम CLC के सामने से गुजर रहे थे, तो श्रीमान सरवण जी रात को 12:30 बजे CLC से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो ताराचंद जी ने पूछा कि सरवण जी रात को 12:30 बज रहे हैं, टाइम बहुत लेट हो गया। तो सम्मानीय
सरवण जी ने ये कहा कि ये मेरा हमेशा का टूर है। रात को 12 बजे क्लासें पूरी होती हैं, उसके बाद में ये शख्सियत क्लास जब पूरी हो जाती हैं तो हर एक बच्चे की मॉनिटरिंग अपने आंखों के सामने करते हैं। जब तक उस प्रांगण में पढ़ने वाले तमाम बच्चे और बच्चियां अपने हॉस्टल तक अपने घर तक नहीं जाती हैं, उस वक्त तक ये शख्सियत ना पानी पीता है, ना सोता है और ना खाने खाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि सीकर ज़िले में, आज सीकर ज़िले को राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वो नाम अगर किसी शख्सियत ने दिया है तो उसका नाम है सरवण चौधरी। सीकर ज़िले से ही नहीं, राजस्थान में आज अगर किसी की IIT और PMT की नज़रों से अगर कोई बच्चा देखता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि मैं सीकर में जाऊं, और सीकर में जाने के बाद हो सकता है कि उसका दिमाग कहीं ना कहीं घूम जाए। परंतु अगर कोई बच्चा CLC के प्रांगण में पहुंच गया तो ये मान लीजिए कि हो सकता है कि 100 में से 100% बच्चे IIT PMT में तो नहीं आते हैं, परंतु जिस बच्चे और बच्ची ने CLC में दाखिला लिया है और जिसने 12 महीने CLC में रहकर शिक्षा ग्रहण की है, उस बच्चे को शिक्षा के साथ साथ ऐसे संस्कार मिल जाएंगे कि वो बच्चा राजस्थान में नहीं अपितु हिंदुस्तान में कहीं भी संस्कार की बात आएगी तो CLC का नाम ऊंचा करेगा, अपने परिवार का नाम ऊंचा करेगा। दूसरी बात, मैं रात शाम को अक्सर जाता हूँ, उधर से निकलते हैं तो देखते हैं कि शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक डेली वहाँ पे, जैसा कि बच्ची ने बताया कि बच्चों के सामने बैठते हैं 1000-2000 जो भी बच्चे हैं उनके सामने डेली सामान्य सरवण जी बैठते हैं, बच्चों से तर्क वितर्क करते हैं। डेली एक संस्कार की बात होती है, एक शिक्षक के गुरु के साथ साथ मैं श्रीमान सरवण जी चौधरी को एक आध्यात्मिक गुरु भी कहना चाहूँगा कि बच्चों के दिमाग में शिक्षा के साथ साथ हमारे जो भी गुरु रहे हैं, चाहे वो नाजी महाराज हो, गोगा पीर हो, जो भी हैं, जो भी बच्चा जिस गुरु को मानता है उसका नाम लेके सरवण जी कहते हैं कि आप अपने सर्वप्रथम आप अपने गुरु को याद करें, उसके बाद में एक संदेश के तहत एक अपने दिमाग में जो भी आपके टारगेट है उसको टारगेट लेकर निकलें। इसी के साथ आपका इस गांव में सम्मान्य सरवण जी का बहुत बहुत अभिनंदन, आपकी टीम का स्वागत। इस लाइव के माध्यम से मेरे तमाम जो साथी देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को एक बार CLC का टूर करवाएं, एक बार आप CLC का भ्रमण करवाएं, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि CLC सीकर ज़िले की ही नहीं अपितु राजस्थान की वो प्रथम संस्था है जिसने राजस्थान में अनेक IIT PMT डॉक्टर इंजीनियर दिए हैं। इस गांव में आने के लिए बड़े भाई श्रीमान सरवण जी चौधरी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू राजेश। आज का जो ये लाइव प्रोग्राम है ये हमारी बिटिया आस्था शर्मा है, इसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फाइट किया, इसी के उपलक्ष में इसी के इर्द गिर्द ये प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी बात ये जयप्रकाश है, ये मेरे घर का मेंबर है, हमारे घर के बीच में दीवार भी नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो इसके घर का माहौल है ना ऐसा शानदार रहा है। अंकल जी हैं सांवरमल जी शर्मा, ये ऐसे वातावरण से निकले हैं, साधारण परिवार से थे लेकिन इन्होंने शिक्षा में शिक्षक बन गए, वो माहौल मिला। फिर आप, मैं समझता हूँ जहाँ तक आपका इनसे मिलना हुआ वहाँ जाने का कारण ही बनता है कि मेडिकल में फाइट कर पाई। अगर CLC में आस्था नहीं जाती तो शायद हो सकता है वो मेडिकल में कहीं जाती तो डॉक्टर नहीं बन पाती। घर का माहौल मिला, फिर सबसे अच्छी बात तो ये है कि CLC में जाने का कारण ही डॉक्टर बनी है। और निवेदन में तो इनसे मुस्कान है, इनसे भी कहना चाहता हूँ इनको कि मेडिकल में जाना है घर के लिए अच्छी बात है, लेकिन फील्ड में जब काम करोगे आप, हमारा देश है इसमें क्या है, मेडिकल का सिस्टम थोड़ा सा आबादी ज़्यादा है, मेडिकल का सिस्टम है कमज़ोर है। डॉक्टर बने घर वालों के लिए सबसे खुशी की बात है, लेकिन डॉक्टर बन के फील्ड में जो काम करें वो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा तो इनसे कहना यही है बच्चों से कि आप मेडिकल में जाइए, काम फील्ड में शानदार करिए, गरीब से गरीब आदमी है उसकी सेवा करिए, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, सबसे अच्छी बात यही है। और मैं तो समझता हूँ कि मेरे गांव की ये बिटिया पहली मेडिकल में फाइट किया है, गांव को माहौल मिलेगा, उनको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ये लाइव प्रोग्राम हुआ है, गांव के लोग बच्चे प्रेरित होंगे और ज़्यादा इस हर बच्चा टैलेंट होता है, ज़रूरी नहीं है वो मेडिकल में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए,
लेकिन वो बेस्ट करे। और मेडिकल में जाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत हुई हमारी, और मैं तो सोचता हूँ कि ये शुरुआत है, चलती रहेगी, आपका गाइडेंस मिलता रहेगा, बच्चों को संस्कार मिलते रहेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। जय हिंद। आज बड़ा सहयोग था कि इधर आपके चहेते ताराचंद जी दाहिल और हम ये अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, और संयोग से मेरा भी हो गया, इस पावन धरती पर पहुंचने का सुअवसर मिला। मैं यही बताना चाहूँगा कि जो जिसको बेटे के नाम से पिता की पहचान हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एक गुरु और पिता ही दो ऐसी चीज़ हैं जो अपने शिष्य को और बेटे को सबसे ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि शरण जी ने जो सीकर के अंदर एक छोटा सा पौधा लगाया, आज हम देख रहे हैं कि सीकर की पहचान कोटा किसी समय डॉक्टर इंजीनियर के लिए माना जाता था, आज जो पहचान है वो सीएलसी शरण जी की तरफ से है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुरु जी प्रेम जी को, जिन्होंने लंबे समय से वो हमारे बहुत बड़े आदर्श रहे हैं, और उनकी एक ऐसी संतान जिन्होंने सीकर का गौरव बढ़ाया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ज़्यादा न कहकर यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि संस्कार देना। सीएलसी जो संस्कार दे रही है, सीएलसी में जो अनुशासन है, मैंने प्रत्येक हमारे सीकर जिले जितनी भी संस्था, मैं हर समय भ्रमण करता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि जितना अनुशासन, जितने जो बच्चों को संस्कार दिया है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। डॉक्टर बन सकता है, कलेक्टर बन सकते हैं, परंतु जो संस्कार है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं शिक्षा से जुड़े होने के नाते यही बताना चाहूँगा कि ये जो एक मिशन इन्होंने एक अपना उद्देश्य लिया है, ये हमारे सीकर के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं यही कहना चाहूँगा, तभी तो कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसे चलो कि पदचिन्ह बन जाए, और जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। ऐसी ही मिसाल हमारे शरण जी ने रखी है, जो हमारे लिए बहुत ही एक आदर्श के रूप में सीकर का नाम है। और मैं सीएलसी की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। पुनः सबको धन्यवाद। मैं सबसे पहले सीएलसी संस्था का अभिवादन करना चाहूँगा, जिन्होंने कई परिवार को डॉक्टर इंजीनियर से नवाजा है। आज ऐसे भी कई साधारण परिवार हैं जिन्होंने डॉक्टर बनने का और इंजीनियर बनने का सपना सोचा भी नहीं था, और उस सपने को साकार करने का काम सीएलसी संस्था ने किया है। मैं बात बताऊं, मेरा छोटा भाई हेमंत सोनी जो नीट की तैयारी कर रहा था, और नीट की तैयारी के साथ में उसको नीट में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन सीएलसी की जो टेस्ट सीरीज थी उसने ज्वाइन की थी। सीएलसी के सर के साथ में संपर्क हुआ, उसको मोटिवेशन मिला, और महीने दो महीने की सीएलसी की टेस्ट सीरीज की मेहनत के बाद में वो बंदा दो महीने के बाद में एम्स की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया था। ये हमारे परिवार के लिए और हमारे लक्ष्मणगढ़ कस्बे के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। हमारे घर में जो उसके आर्थिक स्थिति समझे, एक साधारण परिवार से जो बंदा था, आज ऋषिकेश एम्स में, जो कि एम्स की बहुत कम संस्था है भारत में। मैं सीएलसी और बॉस सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे घर को एक डॉक्टर दिया है। धन्यवाद सर।